नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग में। तो अभी रात का करीब मैं आपको टाइम बताऊं, 10:30-11:15 हो रहे हैं और शूट करने के लिए मैं आया हुआ हूं गाजियाबाद के राजनगर RDC में। और RDC बोला जाता है गाजियाबाद का कनाट प्लेस, आप कह सकते हो इसे। तो राजनगर में जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है जो स्पेशली फेमस है अपने कुल्छों के लिए, वैरायटी ऑफ कुल्छा। उसका नाम है दी कुल्छा लैंड, प्रॉपर कुल्छा लैंड है। आप बहुत फेमस दुकान है, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि क्राउडेड रहता है और बहुत नंबर ऑफ वैरायटीज ये कुल्छा और बनाते हैं। चुरचुर नान भी है, बहुत सारा अच्छे खासा मेन्यू है इनका। तो एक काम करते हैं, बिना कुछ देरी करे चलते हैं अंदर। अंदर जाकर के पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बन रहा है। उधर ऑर्डर करते हैं कुछ, उसको ऑर्डर करने के बाद उसे खाते हैं, रिव्यू करते हैं और टेस्ट आपके पास पहुंचाते हैं। बिना कुछ देरी करे चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये भी हरी मिर्च है, ये मोटा मसाला है, ये नमक है, गरम मसाला है, ये चाट मसाला है, ये लाल मिर्च है, ये कस्तूरी मेथी है। अच्छा जी, इसको ये मिक्स कर रहे हैं। मिक्स होगा? हाँ जी, मिक्स हो गया। प्याज बनना है एक, और एक मिक्स वेज है। एक मिक्स वेज हो गया जी, और मिक्स वेज। ये मिक्स वेज जी। तो मिक्स वेज में क्या क्या कौन कौन सी सब्जी होती है? गाजर है, बीन्स है, चुकंदर है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पिज्जा कुल्चा नहीं खाया तो ये कौन सी नई वैरायटी है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे? ये इसी का बनेगा, मिक्स वेज का जी। तो उसके ऊपर क्या गार्निशिंग करनी है? ऊपर से आप चीज वगैरह? हाँ जी, चीज लगाते हैं। चीज लगाया जाए? हाँ जी। अंदर स्टफिंग होती है? हाँ जी। और अंदर स्टफिंग किस चीज की करते हैं? गाजर, बीन्स, चुकंदर की। ओके, ये मसाले? हाँ जी मसाले, मोटा मसाला है जी। कौन सा? मोटा मसाला है जी। मोटा मसाला? हाँ जी। अच्छा, इसके ऊपर भी आएगा? हाँ जी, मिक्स वेज है ऊपर। जो मिक्स वेज वाला है इसके ऊपर मिक्स वेज आएगी? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मक्खन लगा रहा हूँ जी, अमूल का, अमूल बटर। और बटर में भी कम नहीं है, अच्छी खासी क्वांटिटी में। हाँ जी सर, पूरा अच्छे से हो रहा है जी। बहुत ही बढ़िया। और ये चटनी जो है ये किस चीज की होती है? इमली की होती है जी। इमली की? इमली की। हाँ जी सर। अच्छा, तो और इमली और इसके अंदर प्याज वगैरह? हाँ जी, इमली प्याज चटनी होती है। इमली और प्याज की? हाँ जी। ये लीजिए। क्या था? ये सर दाल है, दाल मखनी। अच्छा। हाँ जी सर। और ये चटनी है? ये वही अपनी चटनी आ गई, इमली प्याज की चटनी है। बहुत बढ़िया। ये छोले हैं सर। और एक चीज बताइए, अगर किसी को छोले या चटनी रिफिल करानी हो? हाँ जी सर। हाँ जी सर, करा सकता है दोबारा। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मक्खन है अमूल का, मतलब बटर में हिलाने की? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। मक्खन जब तक बटर ढंग से नहीं जलेगा तो फिर चोर चुर ना पीछेगा, मजा नहीं आएगा। आवाज भी जबरदस्त आ रही है। हाँ जी सर, चूर चूर नान है ये सर, हो गई। इसमें रायता भी है? रायता भी आता है? हाँ जी सर। ये रायता भी हो गया? रायता हो गया। ये चूर चूर हो गया? ये सर मिक्स वेज है पिज्जा के लिए? पिज्जा बन रहा है? हाँ जी सर। अरे पिज्जा कुल्छा? हाँ जी सर, पिज्जा नहीं, पिज्जा कुल्छा। पिज्जा पिज्जा भी हो गया, कुल्छा भी हो गया। ये मोटा मसाला है, ये नमक है, ये गरम मसाला है, ये चाट मसाला है, ये लाल मिर्च है, ये कस्तूरी मेथी है। अभी मिक्स कर रहे हैं।
ये मिक्स वेज है, उसके ऊपर भी। हाँ जी, ये पिज्जा है सर, अमूल चीज। क्या बात, चीज की क्वांटिटी भी जबरदस्त। हाँ जी सर, ये हमें मिलेगा सर। हो गया, चलो बुला रहे हैं, ये भी मेल्ट होगा। अच्छा, तो अभी इसको फिर से इसके तने पर भेज देंगे, दोबारा से कहा जाए। लगभग प्रिपरेशन करते करते और ये सब चीज़ें होते होते अभी लगभग रात के 11 बज चुके हैं, और 11 बजे हमने आपको सारी प्रिपरेशन दिखाई है, और बड़ी खतरनाक की भूख लगी रही है, और भूख जो लगी है वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमारे सामने जो पेश है आप देख सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त ये प्लेट लगी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये है पिज़्ज़ा कुलचा, दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और ये है यहाँ पे चुरचुर नान, तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और बहुत मजेदार। हालांकि मैं ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा मेरे अकेले के लिए, तो अकेला मैं आपको बता दूं मैं नहीं खाने वाला हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे सिद्धांत भी है, तो अभी सिद्धांत भी इसको खाएगा। तो फिलहाल बिना कुछ देरी करे एक काम करते हैं, रिव्यू आपके पास पहुँचाते हैं, और शुरुआत जो करते हैं, शुरुआत करते हैं इनके पिज्जा कुलचा से। तो ऊपर इसमें पिज़्ज़ा जो इन्होंने चीज़ डाली हुई है अच्छी खासी क्वांटिटी में डाली है, ठीक है, टूटने में तो बड़ा मज़ेदार आ रहा है, क्रंची आवाज़ भी करकर आ रही है, और इसको ट्राई करते हैं छोले से, इज द बाइट। देखिए ऑनेस्टली बताऊं, कुलचा है ये, पिज़्ज़ा वाला फील नहीं आ रहा बिल्कुल, पहले ही बात आपको ये बता दूं, ठीक है पिज़्ज़ा नाम दिया है क्योंकि इसके ऊपर चीज़ डाल दी है, पर मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा इसके ऊपर चीज़ डालने का मतलब ये नहीं है कि ये पिज़्ज़ा जो आप सोचते हैं एक्सपेक्टेशन है वो हो गया। तो टेस्ट वाइज में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, टेस्ट अच्छा है, बट वो चीज़ नहीं है जो आप प्रॉपर अगर आप पिज़्ज़ा सोच के चलें, ये कुलचा ही है, बस ऊपर चीज़ डाल दिया है। अब इसके साथ में चटनी जो है इनकी, ये चटनी के साथ लेते हैं। चटनी तो इनकी बहुत टेम्पटिंग है, नो डाउट, बहुत ही जबरदस्त चटनी है। तो ये तो हुआ इनका पिज्जा कुलचा का रिव्यू, अब आती है बारी इस चुरचुर नान की। तो चुरचुर नान के साथ में इन्होंने एडिशनल छोले और ये चटनी, ये तो है ही, प्लस साथ के साथ इन्होंने ये हमारे को दी है दाल मखनी भी, दाल मखनी और साथ के साथ ये रायता। तो मैं इसकी बाइट बनाता हूँ चुरचुर नान की, और इसको ट्राई करते हैं हम दाल मखनी के साथ ही, इज द बाइट। दाल मखनी है बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्वाद है जो नॉर्मली एक दाल मखनी में होता है, हल्की लाइट में डालेगी, क्रीमी रिच एकदम और बटर से भरपूर दाल मखनी। अगर ऑनेस्टली बताऊं छोलों से ज़्यादा बढ़िया मुझे इनकी दाल मखनी लगी है, जबकि मैं दाल मखनी कोई फ़ैन नहीं हूँ, कि मैं को दाल मखनी कोई खास पसंद नहीं है, मैं जनरली खाता नहीं हूँ, तो दाल मखनी बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है। चोचो नाम अपनी जगह पे अच्छी है, अब इनका ट्राई करते हैं ये रायता। रायते को तो भाई 10 out of 10 नंबर, बहुत ही जबरदस्त रायता, बहुत ही जबरदस्त, तो बहुत अच्छा है, कोई उन्हें बहुत बढ़िया है इसको टेस्ट वगैरह जो अगर मैं कहूँ, बहुत टेस्टी आ रहा है, फ्रेशनेस आ रही है। हाँ मेरे को एक और चीज़ थी, अगर इसके साथ में शायद अगर प्याज वगैरह या अचार कुछ दिया जाता तो शायद इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता। खैर एनीवे हर किसी का एक अपना तरीका होता है सर्व करने का, तो इनका ये है ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। अभी तो फिलहाल अब 11 बज चुके हैं और मेरे को अभी ये सब फिनिश करना है, फिर घर भी जाना है, तो फिलहाल मैं अभी
इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और खाने को भी खत्म करते हैं और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रियांक त्यागी ब्लॉग।